मैं चाहूंगा एक बार हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं चाहूंगा तुमको राष्ट्रीय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जी का सदैव आभारी रहूंगा कि मैं किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए और आप सब के लिए सदैव जो बन सकेगा करूंगा। जितनी महिलाएं इसमें जुड़ रही हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि हम लोग दया नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए और इसी सम्मान के साथ हम लोग इसमें जुड़ रहे हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरा पूरा योगदान देंगे। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय लोग बैठौले में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आजाद भारतीय किसान यूनियन के द्वारा व्यापार प्रकोष्ठ के सभी नव निर्वाचित सदस्यों का आज यहां पे मनोनयन हो रहा और शपथ ग्रहण समारोह हो रहा। तो यहां पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजीत पांडे जी, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के विषय पे, वो क्या कहेंगे। आइए चलते उनसे बात करते और जिन लोगों का मनोनयन हुआ है उनके बारे में वो क्या कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ बनाया है, इसी उपलक्ष्य में सौरभ जी ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर उनको पद वितरण किया है। वर्तमान सरकार ने जो भी निर्णय लिया सरकारों के लिए, उसके लिए उसका धन्यवाद। और हम चाहते हैं सरकार से ऐसे ही किसानों के लिए अच्छे निर्णय लेती रहे। सर, जैसा कि राशन फ्री कर दिया किसानों के लिए, तो क्या वो उत्कर फैसला होगा? इस समय 2 साल की महामारी से किसान बहुत टूट गया था और राशन फ्री किया, ये बहुत अच्छा कार्य किया। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके की किसानों की मांगों को बुलंद करेंगे आप, क्या मांगे प्रमुख मांगे रहेंगे? व्यापार प्रकोष्ठ का गठन करने का एक कारण था किसान और व्यापारी के बीच की दूरी को खत्म करना। हमने एक अच्छा प्रयास किया है, हो सकता है क्या ये सफल ही होकर रहेगा। सर, किसानों को एक क्रांति से जोड़ा गया है, किसानों का व्यापारीकरण हो जाएगा, उससे किसानों का नुकसान हो जाएगा, तो क्या वो भ्रांति सही है या मिथ्या है? किसानों का व्यापारीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा इसमें नहीं कभी हो सकता। तो आज शपथ ग्रहण और होली मिलन समारोह किया गया, तो क्या मुख्य उद्देश्य है और किन किन व्यापार, जैसा कि आज आपको सर्वप्रथम बधाई हो, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या व्यापारियों की मुख्य समस्याएं हैं और किन किन पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया? सर, प्रथम तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं सौरभ गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ आज़ाद भारतीय किसान यूनियन, और आज हम लोगों ने प्रदेश मंडल जिला इकाई का गठन किया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की ज्वाइनिंग करी है हम लोगों ने। और रही बात की व्यापारियों की और किसानों की, जो व्यापारियों किसानों के बीच में जो दलाली चल रही है और जो दलाल हैं, उन लोग को हम लोग ख़त्म करेंगे और हम लोग डायरेक्ट माल खरीदेंगे, डायरेक्ट हम लोग उनकी सुविधाएं देंगे, उनको पूरा पैसा उनको पहुंचाया जाएगा। सर, कैसे किसानों को और व्यापारियों को एक मंच पे आप ला पाएंगे, किस प्रकार चाहिए का अनूठा संकल्प रहेगा? उनका संकल्प ये रहेगा कि हम लोग जब जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, उन लोग को फ़ायदा दिखेगा जब वो व्यापारियों से जुड़, और किसान माल कहाँ बेचता है, व्यापारियों को तो बेचता है, और जब वो बेचेगा, जब हम लोग उनको संतुष्ट करेंगे, तो हम लोग एक साथ आ जाएंगे अपने आप। और भी कई संगठन हैं, क्या विशेषताएँ हैं आपके संगठन? हमारे संगठन की विशेषता यह है कि यहाँ पे ये पहला संगठन जिसमें किसान और व्यापारी एक में है, ये सबसे बड़ी संगठन। सर, GST को लेकर के कई समस्याएं आती हैं व्यापारियों को, तो उन समस्याओं को किस प्रकार से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? अब नई सरकार का गठन हुआ है, अब हम लोग जाएंगे, उन लोग को बताएंगे जो जो समस्याएं, उनसे बात करी जाएगी, और मुझे इतना है कि सुनेंगे वो लोगों, करेंगे, हम लोग के साथ रहेंगे। तो आज हम लोग आए थे आज़ाद भारतीय किसान यूनियन की, आज जो बैठक हो रही है, यहाँ पे बहुत से नव निर्वाचित लोगों को नियुक्त किया गया, जिस तरीके संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज़ाद भारतीय किसान यूनियन व्यापारियों को भी साथ में जोड़ा, साथ में किसानों को भी जोड़ रहा है। तो हमारे साथ में लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि आज जो कार्यकारिणी का गठन हुआ, तो कितने लोगों का मनोनयन हुआ और आगे का क्या कार्य रहेगा? आपका स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी, जो आप हमारे, आपके माध्यम से हमारे किसान यूनियन का जो है लोगों तक बात पहुँचती है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से कि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने
हमारे पास आए और हमारी बातों को लोगों तक तो पहुंचाने का कार्य किया है। तो अन्य जैसे कि किसान यूनियन को लेकर किसान संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो आजाद भारतीय किसान यूनियन के साथ में एक व्यापारी को भी जोड़ा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये इसलिए जोड़ा गया है कि एक अलग संगठन है, अभी तक किसानों का संगठन था, आज किसानों के साथ साथ व्यापारी को भी एक किया गया है। व्यापारी को एक करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज किसान अपना माल लेता है और दलालों और बिलौचियों के माध्यम से बेचता है, उन सबको ख़त्म करके हम लोग सीधे किसानों तक जो है व्यापारी पहुँचा रहे हैं। तो आपके संगठन में महिलाओं का कितना योगदान? महिलाओं का बहुत योगदान है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ महिलाओं के मान के चलिए करीब 60% का योगदान है। महिलाएं हमारे लिए बढ़ चढ़ के कार्य कर रही, उसमें साजिया जी हैं, हमारी वंदना श्रीवास्तव जी हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज कितने लोगों का मनोनयन हुआ है? करीब जो है 150 से 200 लोगों के आसपास का मनोनयन किया गया है। आपके संगठन में कम से कम 200 लोगों का आज यहाँ पे मनोनयन किया गया, मजबूती के साथ आपका संगठन धरातल पे उतर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या सर? जगतपाल सिंह यादव। तो आपका भी आज मनोनयन हुआ? मेरा सीतापुर जिला उपाध्यक्ष। बहुत बहुत बधाई हो, सीतापुर के उपाध्यक्ष हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो सर जी, सीतापुर को लेके क्या तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, हमारे यहाँ जो है सीतापुर में जो भी समस्या है व्यापारियों किसानों की, उसको हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे और अपने संगठन के माध्यम से उन्हें उचित न्याय दिलाने का काम करेंगे। और व्यापारियों के लिए क्या तैयारी रहेगी? व्यापारियों की जो भी समस्या निचले स्तर पे आ रही, जो वहाँ उनको टॉर्चर किया जा रहा है या जो भी समस्या आ रही है छोटे छोटी, वो सभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, एक संगठन बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आपके संगठन में दो जिम्मेदारी है, एक व्यापारी भाइयों की, किसान भाइयों की। तो किस तरीके से व्यापारियों को लेकर चलेंगे, किस तरीके से किसान भाइयों को भी लेकर चलेंगे? हम दोनों लोगों को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारे पास जो है किसान और व्यापारी दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि किसानों से ही व्यापारी हैं और व्यापारी से ही किसान है। जब किसान मार्केट में आएगा तो सीधे हम लोग हमसे जुड़ेगा व्यापारी से, और वो अपने उपज का सही लाभ पाएगा। तो हमारे साथ में महिलाएं भी कुछ हैं यहाँ पे, जिन नव नियुक्ति हुई है, महिला प्रकोष्ठ से हैं साजिया रजा जी, तो उनसे हम बात करेंगे। आज के जो कार्यक्रम हुआ है, उनके द्वारा यहाँ पे कितनी महिलाओं का गठन हुआ और कितनी महिलाओं का मनोनयन हुआ? आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने आज़ाद भारतीय किसान यूनियन में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं साजिया रजा आज़ाद किसान यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। आज यहाँ पर महिलाओं का तकरीबन 50-60 महिलाओं का मनोनयन किया गया है, और हमारा सिर्फ संदेश देना आपके माध्यम से मैं ये देना चाहती हूँ कि देखिए, जहाँ पर महिलाएं और उनका व्यापार और किसान एक संगठन मिलकर बनाया गया है, तो जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता है, और आपके ही माध्यम से हम उनको वहाँ तक अपनी वार्ता को पहुँचाना चाहते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं। तो आज जिस तरीके से बताया 50 महिलाओं का मनोनयन हुआ, तो आप प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है, प्रदेश अध्यक्ष का भी मनोनयन हुआ है और ये बहुत सारी महिलाओं को मनोनयन, तो महिलाओं के लिए आप किस तरीके से कार्य करेंगी जो कृषि महिलाएं? मैं उनके साथ पूरा अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके साथ काम करना चाहूँगी। हमारी बहनें भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, अभी ममता शुक्ला मैम हैं, ये भी बहुत दूर से आई हैं, समझ लीजिए चौक में ही इनका घर है और वहाँ से वो यहाँ आई हैं, और ये वंदना जी हैं अध्यक्ष हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ी हैं, और हम सब लोग मिल करके पूरा अपनी ताकत लगाकर काम करना चाहेंगे। व्यापारी महिलाओं के लिए किस तरीके से आप लोग कार्य करेंगे? व्यापारिक महिलाओं के लिए तो समझ लीजिए ये जो संगठन है, मिलकर के ही किसान महिलाओं के लिए और व्यापार की महिलाओं के लिए दोनों को जोड़ कर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। वंदना जी, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का, तो आप किस तरीके से अपने कार्य के लिए आगे से आगे महिलाओं को जागरूक? अभी फिलहाल तो मैं महिलाओं से मिलूंगी, मैं उनसे जानकर किस प्रकार का काम करना चाह रही, मैं सहयोग करूंगी महिलाओं को, आगे बढ़ाऊंगी मैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले होते हैं, 75 जिलों में से कम लाखों करोड़ों की तादाद में हमारी महिलाएं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो किसान क्षेत्र से जुड़ी हुई, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो व्यापार क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो किस तरीके से बहुत समस्याएं होती हैं, तो किस तरीके से समस्याओं का समाधान करेंगे? मैं कोशिश करूंगी समाधान करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको जागरूक होने की जरूरत है कि हमसे आकर अपनी बात कहती हैं, तभी मैं मदद कर पाऊंगी। आपका नाम क्या है? ममता शुक्ला है। तो आप अपना परिचय बताइए, आपको आज किस पद पे नियुक्त करा गया यहाँ पे? पद तो साजिया जी मुझे जो देंगी, मैं वैसे तो मैं कार्य करूंगी, मुझे ये पता है। और किसान महिलाओं का रहा, तो उनके लिए जो कमियाँ हैं, वैसे तो वो लोग खुद बहुत मेहनत करती हैं, किसान महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा,
पर हाँ उनमें जो मेहनत के बाद फल नहीं मिलता है वो फल देने की हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड उनके साथ जुड़ के उस चीज़ की कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की। और व्यापार में है, जैसे व्यापारिक महिलाएं हैं जैसे छोटी छोटी सी दुकानें खोली हैं उन लोगों ने, वो आगे बढ़ना चाहती हैं पर उनके पास धन नहीं है, धन की कमी है और कई चीज़ों की कमी है, शिक्षा की कमी है कि वो छोटा कुछ लाएँ उसको बढ़ाएँ कैसे बढ़ाएँ, ये सब चीज़ें अगर हम उनको उनको देख के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग। बहुत सी ऐसी योजना सरकारी योजनाएँ होती हैं जिनकी महिलाओं को जागरूक नहीं होती। जी हाँ, बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत लेबर हैं, गरीब हैं, उनको बढ़ाने के लिए उनको नॉलेज देंगे उनको कि आप इसमें बिजनेस करिए, इस तरह से व्यापार करिए तो आगे बढ़ेंगी। एजुकेटेड और एजुकेशन और व्यापार और किसान, इन सब चीज़ों को जोड़ के जो देश में मतलब आगे जीने का मजा आएगा ना, वो चीज़ हम लोग करना चाहते हैं। बताना चाहूँगी जो महिलाएं किसान हैं, किसान महिलाएं जो हैं वो खेतों में काम तो करती हैं, उनको उनका अस्तित्व बताना है कि आप खाली मेहनत के ही पात्र नहीं हैं, आप हमारे सहयोगी हैं, आप हमारे कोऑपरेटिव हैं, हम आपके लिए ही आए हैं जो हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत संकोची होती हैं। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं होती है या वो घर के गृहस्थियों में या बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाती हैं और अपने खेतों के कार्य में इतना उलझ जाती कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन उनको हम अपने व्यापार के माध्यम से और अपनी जो सहयोगी महिलाएं उनके माध्यम से मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ें, आगे बढ़ें और भरसक जितनी कोशिश हमसे हो सके कि हम पूरा उनका साथ देंगे। तो आज हम लोग आते बिठौली में जहाँ पे आजाद भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज बैठक रखी गई थी संगठन का विस्तार होने के लिए। बहुत से लोगों ने यहाँ मनोनयन किया, 200 से ज्यादा लोगों ने यहाँ शपथ लिया और 50 महिलाओं ने यहाँ पे आकर के अपना योगदान दिया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।